नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डेडिशन स्पेशलिस्ट हूँ। आज जो वीडियो में लेकर आया हूँ वो है पिछली वीडियो का कंटिन्यूएशन, जो है क्रोनिक फटिक सिंड्रोम। जैसे मैंने बताया कि जो पेशेंट हमारे पास आए थे उनको अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ थी जो मिक्स हो गई थी। सर दर्द, पैर दर्द, पेट में दर्द होना, पेट में गैस बनना, पेट में अलग अलग प्रकार की मूवमेंट होना, शरीर कंपन करना, हाथ पैर कांपना, डर लगना। तो ऐसे पेशेंट को हमने काउंसलिंग स्टार्ट की, पेशेंट से बातचीत करना चालू किया। तो हमें ये ध्यान में आया कि पेशेंट का उसकी प्रीवियस गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था और उसके मर्जी के खिलाफ उसके माता पिता ने वो व्यक्ति का किसी और स्त्री से शादी कराई थी। और उसके पेशेंट में इतना टेंशन आ गया था, वो पेशेंट के दिमाग में इतना टेंशन आ गया था कि एक तरफ गर्लफ्रेंड जो आज भी उसे याद कर रही थी और एक तरफ वाइफ जो आज भी उसे चाहती है। तो ये सब जो मिक्स इमोशंस थे, इंटरमिक्स हो गए थे, क्योंकि दो अलग अलग ह्यूमन बीइंग्स और ये खुद, तो जो इंटरमिक्स हो गए थे सब इमोशंस, उसके कारण पेशेंट के दिमाग के ऊपर टेंशन बढ़ गया था और पेशेंट ये बीमारी से जूझ रहा था। जब हमने पेशेंट से बातचीत किया, पेशेंट से इंटरेक्शन किया, पेशेंट को काउंसिलिंग किया, पेशेंट के साथ सम्मोहन किया, हिप्नोसिस किया, रिलैक्सेशन थेरेपी की, तो पेशेंट का जो दुख दर्द है वो धीरे धीरे कम होने लगा। पेशेंट के हमने करीब करीब एक सेशन कंप्लीट किया है और आज दूसरा सेशन करने वाले हैं। ऐसे हम 4 से 5 सेशन करेंगे और उसके बाद मेरा ये कंप्लीट दावा है कि पेशेंट ठीक हो जाएगा। साथ ही में हमने पेशेंट को एंटी एंग्जाइटी, एंटी डिप्रेशंस दवाई भी पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे पेशेंट ठीक हो सकता है। जो लास्ट स्टेप है ये बीमारी की, वो है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। वो देने के बाद पेशेंट 100% ठीक हो सकता है। तो ये थी पूरी क्रोनिक फटिक सिंड्रोम के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। मेरा पैशन है, मेरी ये इच्छा है कि ये पूरे इंडिया में जो भी मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोग हैं उनको मैं अच्छा करूं और जो ऑलरेडी नॉर्मल लोग हैं उनको मैं एम्पावर करूं। अगर आपको लगता है कि ऐसी बीमारी आपके आसपास किसी को भी है तो उसे ज़रूर साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाए या हमारे पास लेके आए। अगर ये चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही आगे के वीडियोस लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।